Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium 11th physics along with NEET and JEE preparation. So today, as discussed already, हम लोग लामीज थ्योरम और मोशन इन प्लेन के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. और लामीज थ्योरम का वापस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है कि लामीज थ्योरम क्या होती है. जब तीन वेक्टर इक्विलिब्रियम में होते हैं, व्हेन देर आर थ्री वेक्टर्स और थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम लाइक दिस, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है और ये आपका वेक्टर सी है. ओके, जहाँ पर ए के अपोजिट जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा बन रहा है, बी के अपोजिट एंगल बीटा बन रहा है और सी के अपोजिट एंगल घामा बन रहा है. ओके, यही आपका पी क्यू आर एस भी हो सकता है या पी क्यू आर भी हो सकता है, तीनों वेक्टर. इफ़ A, B and C are in equilibrium means इस तरह से है कि इनका resultant force zero है, या A plus B plus C means that is you can say vector A plus vector B plus vector C equals to zero. Then what we can say कि A divide by sin alpha इज इक्वल्स टू बी डिवाइड बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय साइन गामा होगा. ओके, समझ में आ गया. ये अपना ओवरऑल एक्सप्रेशन रहेगा, कभी कोई स्मॉल ए यूज़ कर लेते हैं, कभी कैपिटल ए, कभी पी, कभी क्यू आर, ऐसा कुछ भी हो सकता है. कभी एंगल को भी ए बी से लिख देते हैं, वो एक अलग इशू है. लेकिन समझे ये कि ए में किसका डिवाइड करना है, डिवाइड बाय द एंगल बिटवीन बी एंड सी. किसी वेक्टर के अलावा जो दो वेक्टर है उन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है वो लेना है. अल्फा बीटा भूल जाए आप. ए डिवाइड बाय द एंगल बिटवीन अदर टू, बी डिवाइड बाय एंगल बिटवीन अदर टू, सी डिवाइड बाय एंगल बिटवीन अदर टू, ऐसा उसका साइन लेना है. ओके, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू लेना है. ये लॉजिक याद रखेंगे तो अब क्वेश्चन हम कर पाएंगे. तो गाइज पहला क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स पी. ओके, इन द गिवन फिगर इफ ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम. अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो पी की वैल्यू क्या रहेगी. लाइक ये कोई ऑब्जेक्ट है. ओके, ये पी है, ये आपका 20 न्यूटन है, ये आपका Q है. ओके, यहाँ पर एंगल्स जो गिवन है ऑलरेडी वो मैं आपको लिख देता हूँ. ये एंगल 105, ये एंगल 120. ओके, और ये आपका टोटल हो जाता 135 माइनस 360, तो इट विल बी 5 to 125. ओके, 115 होना चाहिए ये. 5 में से 3 2, और ये 125 आ रहा है. ओके, सो 135 होना चाहिए ना. यस, 360 माइनस 225 माइनस करेंगे. यस, सो गाइस इट इज़ 135. ओके, समझ में आ गया. क्वेश्चन देख ले आप लोग, एक क्वेश्चन बनाया है अपन ने यहाँ पे कि क्या है 120, 105 और 135. ये आपको वैल्यूज गिवन है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू. सो यहाँ पर आपको अगर वैल्यू लगाते आप लोग कि पी डिवाइड बाय क्या होगा, पी डिवाइड बाय साइन 120, ठीक है, और इज इक्वल्स टू आपको जो वैल्यू पता है 20 डिवाइड बाय साइन 135, ठीक है. ओके, नाउ क्यू को रखना ही नहीं है क्योंकि बारे में क्यू के बारे में कोई बात ही नहीं की है, तो क्यू से हमें कोई लेना देना भी नहीं है. लेकिन एक बार फॉर्मूले में रखना है क्यू डिवाइड बाय साइन 105. गॉट इट. हमें जो वैल्यूज पता है उसी की बात कर लेंगे कि पी चाहिए हमें. साइन 120 जो होता है वो साइन 60 के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है, क्योंकि 180 माइनस 60 आपका क्या होता है, साइन 120 होता है. ओके,
तो साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, तो पी डिवाइड बाय रूट 3/2 20 साइन 135 जो होता है वो साइन 45 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? साइन 45 के। तो ये आ गया 1/√2। ठीक है, सो द आंसर विल बी, पी का आंसर क्या आएगा देखें, पी इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय रूट 2 का चला गया ऊपर, ओके, और मल्टीप्लाई बाय रूट 3/2। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर 20√3/√2, ये आपका पी का आंसर आ गया। गाइस ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा आपको, आंसर रूट 2 कैंसिल आउट कर रखा है, रेशनलाइज कर रखा है, तो फिर ये इसी में आंसर आ जाएगा आपका रूट 2 रूट 3 यानी रूट 6 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ऐसा करके 20√6/2 जो ऑप्शन से मैच होगा वो होगा। ये क्वेश्चन तो हमने फ्रेम किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो लेते हैं जो स्टैंडर्ड ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है लामीज थ्योरम पे। ओके, कई बच्चों ने जो लेक्चर ले रहे हैं तो उसमें पहले इसके क्वेश्चन कर रखे, ओके, क्योंकि लामीज थ्योरम का थ्योरेटिकल टॉपिक हमने पहले पढ़ लिया है। ओके, कुछ दो क्वेश्चन और लेंगे इस पर, उसके बाद हम लोग फिर से वापस मोशन इन प्लेन के क्वेश्चंस को लेंगे। सो गाइस क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द टेंशंस इन ओ ए एंड ओ बी फॉर द गिवन फिगर, फाइंड दी टेंशंस इन ओ ए एंड ओ बी फॉर गिवन फिगर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। नाउ ये इस तरीके से बना रखा है, ये आपका ओ पॉइंट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ओके, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पर कोई वेट हैंग कर रखा है, इन्होंने एक वेट हैंग कर रखा है जिसका W वेट है 10 न्यूटन। ओके, इसका टेंशन है T1, इसका टेंशन है T2, सभी कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, ये एंगल आपका जो है वो 120 है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी देंगे फ्रेंड्स, अगर यहाँ एंगल दे दिए, ओके, ये क्वेश्चन है ओनली, तब भी आपको खुद को करना है कि ये 30 है, तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सभी एंगल ऑलरेडी गिवन थे, ये अल्फा बीटा गामा हमको गिवन थे, यहाँ गिवन नहीं है। ऐसा ही अगर क्वेश्चन है तो हम लोगों को क्या करना है वो देखिए आप लोग। ओके, तो गाइस मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ, ऑल्दो क्वेश्चन में यहाँ पर एंगल गिवन है, बट हम इस क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमको ओ ए और ओ बी में टेंशन निकालना है। ओके, ऑप्शंस भी लिख देता हूँ मैं, ए बी सी एंड डी। ओके, सो ये हो गया 0 और 5√3, ऐसा करके ऑप्शन है 0, 5√3 न्यूटन और 5√3 और 0। ठीक है, या 5 समझ लो इसको, ऐसा कुछ ऑप्शन है। देन 5 और 5√3 और लास्ट है 5√3 एंड 5। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। गाइस क्वेश्चन को करना कैसे है, अभी जब डायरेक्ट आपको अल्फा बीटा गिवन हो गामा तो वो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, लेकिन ऐसा जब क्वेश्चन होता है तो हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, और देखते हैं कि ये पैरेलल आ रहा है, अल्टरनेट बन रहा है ये, तो ये 30 हो गया और ये आपका 60 हो गया। ठीक है, तो इसमें पूरा 90 प्लस करेंगे तो ये जो एंगल होगा वो हमारे काम का होगा, तो ये एंगल 90 प्लस 30 यानी कि 120 और 60 प्लस 90 दैट इज 150। सो गाइस तीनों एंगल आ गए आपके पास, T1, T2 और W, ये W आपको ऑलरेडी 10 न्यूटन दे रखा है। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, T1 डिवाइड बाय, T1 का जो अपोजिट एंगल है वो साइन 150। ठीक है, और T2 का अपोजिट एंगल है आपका 120 साइन 120, और लास्ट है आपका कि
10 न्यूटन में डिवाइड करना आपको साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, ओके। तो एक बार T1 निकाल ले आप लोग, ओके। सो T1 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई साइन 90 1 होता है, और साइन 150 आपका साइन 30 के इक्वल होता है। सो साइन 30 कितना होता है 1/2, ओके, क्योंकि 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150, सो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो आंसर आ गया आपका 5 न्यूटन, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है गाइस, 5 ऑप्शन 2 में आ रहा है, क्योंकि हम OA का क्या निकाल रहे हैं, टेंशन निकाल रहे हैं, तो 5 और 5, तो बताइए 0 हो सकता है क्या, T2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि 5 हमने निकाल लिया और दूसरा ऑप्शन या 0 है तो वो करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि T2 की भी कुछ ना कुछ इस फॉर्मूले से वैल्यू आएगी, ओके। पर इसको हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर कैसे वेरीफाई करेंगे कि T2 ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया, लेकिन फिर भी T2 डिवाइड बाय साइन कितना है 120, ओके, और इधर आपका आ गया 10 डिवाइड बाय साइन 90 कितना होता है 1, ओके। सो 10 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल, अभी थोड़ी देर पहले बताया, √3/2 कैंसिल, आंसर आ गया 5√3, ओके गाइस। सो टेंशन इन ओ एंड ओ बी आर 5.5√3, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप उल्टा कर देंगे गलती से तो ये मिस होने का भी चांसेस रहेगा, ओके, जो आपको लॉलीपॉप दे देगा। तो लेते आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका, क्वेश्चन है लामिस थ्योरम के, तो इस बार टेस्ट का कंटेंट में ही आपको इंक्लूड होता है ऐसा। ऑल्दो ये क्वेश्चंस वापस फोर्स वाले चैप्टर में भी रिपीट होते हैं, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि सभी में किसका आ रहा है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी इसी के क्वेश्चंस है, तो हम कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी उठा रहे हैं, ओके गाइस। सो अब हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, गाइस एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग कि इफ द वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड ए शोन इन फिगर, देन व्हाट इज टेंशन इन स्ट्रिंग बी, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन ये इस तरह का है कि इस तरह से ये एंगल हमारा 90 है, ओके, और इस ये एक स्ट्रिंग है बी, यहाँ से स्ट्रिंग है आपका सी, और ये है आपका स्ट्रिंग ए, ठीक है, ये वेट डब्ल्यू है, ओके। ये हमें कह रहा है कि इसको इस तरह से सस्पेंड करना है, तो इसका एंगल सपोजिट यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, ओके। देन हमको बोला गया है कि इसका वेट है सपोजिट 100 न्यूटन, ओके। तो आप बताएं कि इसका बी वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, तो सबसे पहले तो हम इसको, इसका टेंशन T1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं T1, इसका कितना ले रहे हैं T2, और इसका कितना ले रहे हैं T3 सपोजिट, तो T2 का आंसर निकालना आप, ओके। और ये कितना है, T1 की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन। तो गाइस सिंपल है ना, ये 60 है, ओके, ये यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ये 90 है, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हुआ 90, ओके, और ये ऐसे अल्टरनेट एंगल से लेंगे तो 60 प्लस 90 कितना हो गया 150, ठीक है। और अगर 90 और 150 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 240, कितना आता है 240, तो उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 120 आ जाएगा, ओके, बराबर। तो गाइस लामिस थ्योरम लग सकती है इस पे पूरे पे, क्या है हमारा T1, ये क्या है T2, इस तरफ से 90 पे है, ओके, और ये है आपका T3, ओके, T3 क्या बन रहा है यहाँ पर 100 न्यूटन, ये 150, 120, और ये आपका 90। गाइस बताइए क्या होगा, T1 डिवाइड बाय साइन 120, ठीक है, T2 डिवाइड बाय साइन 150,
टी टू का अपोजिट एंगल 150, टी थ्री डिवाइड बाय साइन 90, ओके। सो गाइस हमें क्या लेना है, हमें निकालना है टी टू का वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू लेना है और टी वन डिवाइड बाई 120। सो टी वन और टी टू का ले लेंगे, साइन 120 60 के इक्वल होता है, टी वन कितना 100 है, 100 डिवाइड बाय रूट 3/2, ओके। टी टू साइन 150 30 के इक्वल 1/2, ओके गाइस। तो टी टू निकालना, इसको उधर भेज देंगे तो 100 डिवाइड बाय रूट 3, तो ऊपर 2 चला गया, ओके। टी टू ये 1/2 पूरा इधर मल्टीप्लाई में, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 100/√3 न्यूटन आपका आंसर आ गया, ओके। कभी कभार अगर ऑप्शन मैच नहीं होता है तो आप लोग क्या करें, रेशनलाइज कर ले, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, ओके। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 आ गया, 100/√3 न्यूटन, ऐसा आंसर भी आपको देखने को मिल सकता है, ओके। सो आपको टेंशन निकालना था स्ट्रिंग बी में, क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, वो घर से करेंगे आप लोग। आंसर आ चुका है इसका, एक क्वेश्चन घर से कर लेंगे, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ऐसा ही है, सभी वही है, और शायद ऐसा क्वेश्चन पहले हो भी रखा हो। ये 45 डिग्री, ठीक है, और ये 30 डिग्री, ओके। और ये जो वेट सस्पेंड हो रहा है, इस वेट की वैल्यू है 200 न्यूटन, ठीक है। करना है इसको और निकालना है T1 और T2, वही क्वेश्चन है पहले जैसा कर रखा था वैसे। तो 200 ना बोल के इसको मैं सपोज 500 न्यूटन बोल देता हूँ, ओके। फाइंड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, ये क्वेश्चन है, फिर से करना है, ओके। ये क्या है आपका 45, ये क्या है 30, इससे सभी एंगल आ जाएंगे आपके, ओके। ये ऑलरेडी 90 है, ऐड करके ये आ गया, ऐड करके आ गया, 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा, ओके। कितना और आइए 75, तो 105 आएगा। गाइस क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैं यहाँ पर हिंट भी अब नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ओके। यस, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद गाइस, मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कि हमारे पास इफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज एक्स इक्वस टू एंड वाई इक्वस टू, ठीक है। तो एक्स इक्वस टू हमारे पास है 70+40² एंड वाई इक्वस टू है 5t, 70+40² एंड वाई इक्वस टू 5t, देन इट्स एक्सीलरेशन एट 5 सेकंड इज 5 सेकंड दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपरली? क्वेश्चन देखें, इसका ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, ए बी सी एंड डी, ओके। ऑप्शंस आर 0, 8, 20, 40. यूनिट सबकी क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। गाइस क्वेश्चन को आप जूम करके भी देख सकते हैं जब कभी ऐसा कंटेंट नहीं दिखता हो तो। और दूसरा, अगर आपका वीडियो क्वालिटी थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो इसका मतलब नेटवर्क एरर है। आप यूट्यूब पे जो राइट में डॉट्स होते हैं उस पर क्लिक करके आप उसका पिक्सल क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, जो ऑटो पे होता है उसको मैक्सिमम यानी 720 पर सेट कर ले। यहाँ पर देखें आप लोग, हमें x और y दे रखा है, तो x इक्वल्स टू 70+40² और y इक्वल्स टू 5t, तो ये उसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट है
ओके, इफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम आर दिस, मतलब उसका मोशन के कोऑर्डिनेट है, ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो पोजीशन है वो आर इज इक्वल टू 7t प्लस 4t स्क्वायर तो आई कैप में है और 5t जे कैप में है, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, dr by dt, उससे v आएगा, तो आपका आंसर आया 7 प्लस 4 टू जा 8t और आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। नाउ वापस इस वेलोसिटी का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग 7 प्लस 8t का आई कैप पूरे का कर देंगे प्लस 5 जे कैप, इसके साथ t नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 और 8t का 8 आई कैप, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। सो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, dv बाय dt 8 आई कैप, ओके, 0 तो हट गया, तो हमारा जो आंसर आया वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दोस्तों अगर यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन ये होता कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, तो आई कैप से आप बता देते कि अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसका डायरेक्शन होगा, ओके गाइस, क्वेश्चन अगर डायरेक्शन पे भी होता तो ऐसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाता, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी vx दे रखा है और vy दे रखा है, ओके, इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट x इक्वल टू 14 एंड y इक्वल टू 4, 80 इक्वल टू 2 सेकंड, देन इक्वेशन ऑफ पाथ इज, मतलब क्या इक्वेशन होगी, अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ मोशन का है गाइस, क्वेश्चन को किस फॉर्मूले से कब करना है ये समझ गए आप लोग, तो अपनी नई अपार है, ओके, कि यहाँ क्वेश्चन समझे आप लोग कि इफ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच देट vx यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो हमको 8t माइनस 2 दे रखा है, 8t माइनस 2 एंड vy वो 2 दे रखा है डायरेक्ट, ओके, vy आपको 2 दे रखा है, देन इफ इट पासेस, अगर ये पास करता है थ्रू द पॉइंट एक्स इक्वस टू 14 एंड वाई इक्वस टू 4 8t इक्वल टू 2 सेकंड, देन इक्वेशन ऑफ द पाथ इज, इक्वेशन ऑफ द पाथ इज, उसका पाथ यानी कि उसका जो पोजीशन मूव हो रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा, तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं उससे कुछ आइडिया लगेगा हमको, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पाथ बोला है, तो देखो एक्स इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 क्या कहना चाह रहा है वो समझे आप लोग, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, ओके, देन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर 3y प्लस 2, ठीक है, और लास्ट है वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2, ओके गाइस, सो ये आपके चार ऑप्शंस हैं जहां से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है कि उसके पार्टिकल का जो पाथ है उसका इक्वेशन क्या होगा। सो गाइस एक चीज माइंड में लें आप लोग कि हमें देखिए इस क्वेश्चन का करने का तरीका समझना आप लोग कि आंसर क्या है, आंसर है एक्स को वाई की फॉर्म में ऑब्टेन करना है, ऑल्दो हम एक प्रोजेक्टाइल टॉपिक पढ़ने वाले हैं कल से उसको स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, तो प्रोजेक्टाइल में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला बनाएंगे, ओके, लेकिन उससे पहले यहाँ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है,
तो क्योंकि हमें वेलोसिटी से किस तरफ जाना है, उसके पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है, तो हम लोग जो इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। ओके, तो देखें आप लोग वी एक्स, तो सिंस इन एक्स डायरेक्शन हमको गिवन है, क्या गिवन है कि वी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया डी एक्स बाई डी टी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया वी एक्स का क्या कर देंगे डी टी, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे आंसर किसका आएगा, एक्स का आएगा। तो गाइज बहुत ही सिंपल है इंटीग्रेशन का प्रोसेस, तो वी एक्स डी टी करना हमको। ओके, अब देखिए आप लोग इंटीग्रेशन में क्या आता है, कॉन्स्टेंट भी आता है, तो एक्स इक्वल्स टू वी एक्स क्या है 8t माइनस 2 का डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, 8 आगे आगे टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t प्लस सी, ये x का इक्वेशन आ गया। ओके गाइस, तो x इक्वल्स टू ये कैंसिल हुआ तो ये आया 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस सी। गाइस कुछ क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है क्या कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर x डायरेक्शन में कितना जाता है, 14 जाता है। ओके, तो अगर हम देखें तो इसमें जब x इक्वल टू 14 लिखेंगे तो 8t इक्वल टू 2 x इक्वल्स टू कितना है 14 रखेंगे इसको, तो 14 4 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस सी, ठीक है गाइस। तो यहाँ से सी आ जाएगा हमारे पास 14 और 4 का 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 माइनस 4 होता है 12 प्लस सी। तो गाइस यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 14 माइनस 12 दैट इज 2। ओके, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू 2 आने से x का जो इक्वेशन बना गाइस वो क्या बना, x का इक्वेशन बना x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। गाइस ये ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा कहीं भी, तो हमें करना क्या है, अब इस t की जगह क्या पुट करना, y पुट करना है, बट डायरेक्ट नहीं पुट करना है, जो प्रोसेस यहाँ किया वही y के लिए करेंगे हम लोग। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग कि सिंस वी वाई की भी क्या होगा डी वाई बाय डी टी होगा, तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी वाई डी टी, ठीक है। तो आप वी वाई का तो देखें वैल्यू कि वी वाई का वैल्यू डायरेक्ट हमको कितना देर का 2। ओके, तो हम लोग करेंगे वाई इज इक्वल्स टू 2 का डी टी कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो आपको पता हो तो 2t प्लस सी आता है, क्या आता है 2t प्लस सी, ये क्या आ गया सॉरी वाई का फॉर्मूला आ गया। गाइज यहाँ पे सी निकालेंगे तो बताओ टी इक्वल टू 2 पुट करने पर यानी 2 सेकंड पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4। ओके, तो देखें कि सिंस 8 टी इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू कितना है हमारा 4। ओके गाइज ये है, तो वापस वही प्रोसेस कर रहे हैं, तो वाई इक्वल टू 4 रखा 2 इंटू 2 प्लस सी, तो यहाँ से कैंसिल होकर सी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ओके गाइज लास्ट कि यहाँ पर इसको 0 पुट करने पर y क्या आ गया हमारा 2 बाय 2t आ गया। ओके गाइस, नाउ मैथमेटिक्स से कि t की वैल्यू क्या आ रही है, t की वैल्यू जो आ रही है वो y बाय 2 आ रही है। ओके, सो हम इस इक्वेशन में जो ये आया 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 इसमें y बाय 2 रख देंगे तो आंसर इसमें से कोई भी आ जाएगा। तो गाइस मैं रखता हूँ, ओके आप लोग एक क्लियर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर रख के ए बी है या ऊपर की इक्वेशन हटा देते हैं, यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो गाइस एक्स क्या है, एक्स है हमारा 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। ओके, वहाँ से इक्वेशन उठाई मैंने, नाउ टी क्या है वाई बाई 2 है, सिंस टी इक्वल टू वाई बाई 2 पुट करेंगे इसमें तो ये 4 y 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 y 2 प्लस 2। ओके, ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, वैसे टी की वैल्यू y को ऐसे लिखे आप ताकि ये कंफ्यूज ना हो जाए इससे, y स्क्वायर बाय 4 से 4 कैंसिल तो आंसर आ गया y स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 से 4 कैंसिल माइनस 2 से 2 भी कैंसिल तो y प्लस 2। गाइज वेरी सिंपल, x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर गाइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब
आप चाहे टेस्ट का ये क्वेश्चन हो या नहीं हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीट के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो वेलोसिटी से हमको क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था। ओके गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पार्टिकल इज़ मूविंग ईस्टवर्ड, और ये ऐसा क्वेश्चन शायद हमने पहले कर लिया है। ओके, कल के लेक्चर में, जिसमें एवरेज एक्सीलरेशन निकालना था आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इस प्रोसेस का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइस, कुछ और क्वेश्चन करते हैं एक, जिससे आपका और ये मोशन इन प्लेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करके दे रहे हैं आपको, कि इफ पार्टिकल मोशन ऑन अ शेप कर्व इज गवर्नड बाय दिस 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 एक्स वाई जेड दे रखा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम। ओके, तो क्वेश्चन है, इफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड by coordinates x equals to 2 sin t, y equals to 3 sin t, okay, 3 cos t or root 5 sin t, z equals cos t hai yahan, okay, or z इक्वल टू रूट फाइव साइन टी एट एनी इंस्टेंट टी, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को देख के डरना नहीं है, और हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी सी और डी। ओके, जब डायरेक्शन होता है तो उसके कोऑर्डिनेट में हम लोग देखते हैं कि टेन थीटा बन सकता है तो टेन थीटा से निकालते हैं, अगर थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो अपन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा से निकालते हैं। ओके, बट मैग्नीट्यूड की बात करिए तो गाइस, हमें ये पोजिशन के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो आप जानते हैं कि वी एक्स क्या होगा आपका, डी एक्स बाई डी टी होगा। ठीक है, वी वाई आपका क्या होगा, डी वाई बाई डी टी होगा, और वी जेड आपका क्या होगा, डी जेड बाई डी टी होगा। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी के जो तीनों कंपोनेंट होंगे वो ये होंगे। ओके, ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं पहले, थ्री रूट टू साइन टी, थ्री रूट टू कॉस टी, थ्री और थ्री रूट टू। ठीक है, ये ऑप्शंस है, करेक्टली देख ले आप लोग। नाउ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो एक्स वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ टू साइन टी। सो टू साइन टी मीन्स साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो ये हो गया टू कोस टी। समझ में आ गया। नाउ ये हो गया आपका वी वाई, ऐसे ही डी बाई डी टी ऑफ थ्री कोस टी, थ्री कोस टी, तो ये आ गया आपका 3 माइनस का और साइन टी, क्योंकि कोस का माइनस साइन होता है। ये आपका वाई कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का, और जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो डी बाई डी टी ऑफ रूट फाइव साइन टी, तो वापस साइन का क्या होता है कोस, तो रूट फाइव कोस टी आ गया। तो गाइस, ये वी जेड आ गया आपका। अब आपका वेलोसिटी का क्या निकालना, मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैं पहले वेलोसिटी का क्या निकालता हूँ, एक्सप्रेशन बताता हूँ आपको कि वेलोसिटी क्या है। आपकी वे वी इज इक्वल्स टू टू कोस टी। ओके, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ इसको मैं। ओके गाइस, वेलोसिटी हमारे पास क्या आई, ऊपर लिख देता हूँ मैं कि वी इक्वल्स टू टू कोस टी, वो एक्स डायरेक्शन में, तो आई केप प्लस थ्री माइनस का है वो भी, तो माइनस थ्री साइन टी जे केप
प्लस रूट फाइव कोस टी के, ठीक है। ये अगर वेक्टर पूछते ना तो ये आपका आंसर होता है। क्या पूछते? वेक्टर, तब आपका ये आंसर होता। गाइस वो पार्ट प्रॉपरली दिख रहा है ना आप लोगों को? यस। तो अगर ये इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो हम लोग यहाँ सॉरी वेक्टर पूछता तो यहाँ तक छोड़ देते उसको। अब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो ए एक्स स्क्वायर यानी कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या होगा? थ्री टू कोस टी का स्क्वायर, टू कोस टी स्क्वायर प्लस माइनस थ्री साइन टी स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस थ्री साइन टी का स्क्वायर प्लस रूट फाइव कोस टी का स्क्वायर। गाइस रूट इसके ऊपर चल रहा है। नाउ अब टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर कोस स्क्वायर टी प्लस नाइन, थ्री का स्क्वायर कितना होता है? नाइन साइन स्क्वायर टी, ओके, और हमारे पास रूट फाइव का स्क्वायर होता है फाइव कोस स्क्वायर टी। इसके पूरे के ऊपर क्या है? रूट है। ये डिवाइड में नहीं है, ध्यान रखना, मुझे इधर दिखेगा नहीं आपको, इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। नाउ कोस स्क्वायर टी, गाइस थोड़ा सा मैं इसको क्यों ना क्लियर कर दूं कि ये हमारे पास पोर्शन आ गया है तो मैं इस पार्ट को हटा देता हूं, ओके। क्या रहा है? वी का मैग्नीट्यूड क्या आया देखिए आप लोग गाइस, टू का स्क्वायर फोर कोस स्क्वायर टी, थ्री का स्क्वायर नाइन साइन स्क्वायर टी प्लस रूट फाइव का स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर टी। कोस कोस को ऐड कर सकते हैं तो ये आ गया नाइन कोस स्क्वायर टी प्लस नाइन साइन स्क्वायर टी। गाइस सिंपल एक फॉर्मूला आ गया, नाइन कॉमन और रूट में साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी कितना होता है आपका? वन, ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है और रूट नाइन आपका आंसर आ रहा है, जो नाइन का स्क्वायर रूट कितना होता है? थ्री। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कितना आ गया? थ्री, ओके गाइस। सो ये आपका थ्री आ गया। और अगर इसका डायरेक्शन की बात करें तो हम लोग ए एक्स कंपोनेंट में इस पूरे का मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि टू कोस टी डिवाइड बाय थ्री ऑफ जो कोस अल्फा की वैल्यू आ रही है, ओके। ऐसा करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्शन का भी, बट मैग्नीट्यूड कितना आया? थ्री आया। गाइस यहाँ तक का आप लोग बार बार रिवाइज करें और टेस्ट में अच्छा अटेम्प्ट करेंगे। अब हम लोग जो ज़्यादा डिले ना करेंगे और प्रोजेक्टाइल वाले टॉपिक पर चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। प्रोजेक्टाइल पहले किसी हाइट से फेंका जाएगा और फिर सरफेस के साथ थीटा एंगल पर फेंकेंगे, ये पूरा एक स्टडी रहेगा। और फिर सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना रहेगा, चैप्टर पूरा हो जाएगा। रिलेटिव मोशन भी वापस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ओके। सो गाइस अभी नेक्स्ट वीक में इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा हो जाए और नेक्स्ट वीक में जो टेस्ट आएगा तो उसमें यहाँ तक का वापस अब नहीं देंगे, बार बार वही देंगे जो नया पढ़ाएंगे, ओके गाइस। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।